हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीके ब्लॉग्स। तो हमारा आज ये ब्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है कि आज हम आपको इस वीडियो में इस ब्लॉग में हम अपना हिंदू टेंपल आपको दिखाने वाले हैं जो दुबई में है। तो आज हमारे साथ है परशुराम भाई। हाय बोलिए। हाय। तो मुझे दुबई लाने वाले यही थे, तो हम आज जाए हैं अपने हिंदू टेम्पल। तो ब्लॉग पर बने रहिए और ब्लॉग देखिए और मंदिर देखिए। भोलेनाथ का है, श्रीनाथ जी का है, और इसका श्रीनाथ जी बोलना कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी, वो एक ही हो गए ना, और बजरंग बली का भी है। तो इस ब्लॉग में हम आपको अपना हिंदू मंदिर दिखाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं इंडिया में था तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि दुबई में भी हिंदू मंदिर होगा। तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ भी हिंदू मंदिर है। तो मंदिर जाके अलग ही सुकून मिलता है। तो आज हम संडे हैं और हम जा रहे हैं आज मंदिर। तो आज ब्लॉग पर बने रहिए और ये ब्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। हम और आपको दुबई भी दिखाएंगे, दुबई का अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। तो ब्लॉग पर बने रहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये दुबई है और इधर से हम मंदिर जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ ये कौन सी गाड़ी पड़ी है, ध्यान नहीं पता नहीं, पर अच्छी है ये। देख सकते हैं आप, ये कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये भी देखो, ये हमारे इंडियन भाई लोग मिले हैं। तो आज क्रिकेट है, तो भैया कुछ बोलिए। इंडिया जिंदाबाद, मेरा देश महान रहे। ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो बीके ब्लॉग पर आएगा ये यूट्यूब पर, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है चलो। तो हम अब मीना बाजार से सीधा मंदिर तक जाएंगे। तो हमें सबसे पहले हमें ये यहाँ से जो ब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ से हमें सड़क पार करने उस साइड उतरना है, फिर वहाँ से मीना बाजार होके सीधा मंदिर जाएंगे, ठीक है। और ब्लॉग पर बने रहिए, साथ ही इंजॉय कीजिए। दबा इसको, दबा, आई नहीं। चलो ये हमारी लिफ्ट आ गई, चलो एक नंबर दबाओ। ये लिफ्ट है, देख सकते हैं लिफ्ट लगी हुई है रोड पार करने के लिए, सड़क पार करने के लिए। तो ये लिफ्ट ऊपर आ गई है। देख, तो ये देख सकते हैं यहाँ सड़क पार करने के लिए भी यहाँ लिफ्ट है, नीचे से ऊपर आ सकते हैं और इधर जा सकते हैं, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। और देखिए यहाँ कुछ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, देखिए, ठीक है चलो चलो आगे बढ़ जाओ। ये दुबई का मीना बाजार है जो कि बट दुबई में बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ वो यूज्ड मोबाइल, लैपटॉप, न्यू लैपटॉप, बहुत सारा मार्केट है दुबई में। एक चीज़ तो है दोस्तों, यहाँ गाड़ियाँ बहुत लग्जरी देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखो ना, देखिए गाड़ी देखिए। दुबई में यार गर्मी बहुत लगती है, हद से ज़्यादा। अभी दिन में तो कहीं नहीं है, इतनी धूप पड़ती है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। ये ढाबा रेस्टोरेंट है सामने। देख सकते हैं पब्लिक संडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है।
ये कुछ पुरानी इमारत बनी हुई है यहाँ, देख सकते हैं आप। ये अपना इंडिया का फ्लैग है यहाँ, यही वही अपने छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ भी दुबई में। सामने देख रहे हैं ये दुबई म्यूजियम है, तो म्यूजियम से सीधा ये अपना हिंदू मंदिर है और सामने मस्जिद है, ठीक है। फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं, तो आज पीछे भीड़ देख सकते हैं, देखिए भीड़। आज संडे के हिसाब से भीड़ ज़्यादा है, तो ब्लॉग को पूरा देखिए तभी आपको मंदिर भगवान के दर्शन होंगे दुबई नाथ के, ठीक है। वो वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस ये पीछे देख सकते हैं, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, लेकिन हमने अंदर पूरी कोशिश की अंदर का व्यू दिखाने की, लेकिन गार्ड ने वहाँ मना कर दिया, कोई नहीं चलो। तो ये पीछे देख सकते हैं, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है पूरा, ठीक है। और भोलेनाथ का वो आगे की साइड है, वो आपको मैं आपको बताता हूँ। ये तो रुचा जी गणपति का, गणपति मूर्ति है, गणपति आ गया पढ़ने मंदिर। तो आज देख सकते हैं आज मंदिर में बहुत भीड़ है, रविवार के हिसाब से, ठीक है। देखिए उधर ही देखो, 300 रुपये टिकट देखते 44 पे। हाँ तुम सब चलो आगे। क्या था भाई साहब, अंदर से देख सकते हैं कुछ मंदिर इस प्रकार का है। तो भाई ने प्रसाद ले लिया है। तो गाइस हम मंदिर में भगवान के दर्शन करके यहाँ से नहीं बाहर आ गए हैं, तो ये प्रसाद भी हमने ले लिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ व्यू पीछे का, ठीक है। तो यहाँ सामने देख सकते हैं ये प्रसाद वितरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ है पानी देरा, इसको बोलते देरा, व्यू अच्छा है काश, ठीक है। तो गाइस जैसा कि हमने दर्शन वर्शन सब कर लिए हैं और प्रसाद भी ले लिया है, और जैसे कि पीछे पानी व्यू अच्छा है गाइस, तो ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना कमेंट करके में।
ये वो श्रीनाथ जी का मंदिर जो हमने पहले बताया था, ठीक है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने आपको हिंदू टेंपल का व्यू पूरा बता दिया है अंदर से, ठीक है, अंदर का कुछ खास तो व्यू नहीं दे पाया आपको, लेकिन कोशिश तो रही, जो आपको दिखाना था वो दिखा दिया, ठीक है। और बताना कमेंट क्या करके कि ब्लॉग कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।